बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, दुनिया में छुपा लें, जितना मर्जी जो मर्जी कर लें, इसराइल की तबाही अब छुप नहीं सकती। और ये वो टाइम भी नहीं रहा। ये आपके स्क्रीन पर जो सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं, आप जानते हैं ये क्या तबाही है? ये इसराइल की एक एयरबेस है, तेलनोफ एयरबेस, बेसिकली सेंट्रल इसराइल में है। और आप समझ लें तकरीबन तेल अवीव से ये 27 किलोमीटर दूर है। ये आप इमेजिन कर सकते हैं, ये इमेज सैटेलाइट की बता रही है कि इसराइल की टॉप लेवल की जो एयरबेस हैं उनमें एक एयरबेस मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। और इतनी तबाह हुई है, इतनी तबाह हुई है कि जहाजों समेत इसके हैंगर्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। अब ज़हन में रखिएगा, इसराइल की ये इतनी मिलिट्री अहम बेस है, यानी आप सोचें कि आर्मी चीफ उनका गया वहाँ पर, जाता है और जाकर ऑपरेशंस देखता है, वहीं से हमला करने के लिए चीज़ें आगे जाती हैं। मिडिल ईस्ट में, लेबनान में या दीगर जगहों पर जो हमले करने होते हैं, इसराइल असल में इस मिलिट्री बेस को इस्तेमाल करता है। और मेनली यहाँ पर जो सूरत हाल तबाही हुई है, जितने बड़े ऑपरेशंस होते हैं, बड़े बड़े लोगों को मदु किया जाता है, इसी बेस के ऊपर किया जाता है। आप बॉटम लाइन ये समझें, सादा अल्फाज में ये समझें कि ये इसराइल की अहम तरीन एयरबेस है इसकी, और ये हवाई अड्डा मुकम्मल तौर पर इसका तबाह किया गया। यानी ये एयरबेस इसराइल की समझ लीजिए बैकबोन है, इसको तबाह किया गया। अब आप ये सोचें ये कौन सी वाली है जिस पर हमला किया गया। एक तो हिजबुल्ला ने रिसेंटली 4-5 दिन पहले जो हमला किया है उसने इसको तबाह करके रख दिया। ये असल में जो हमला है, अब ये इमेजेस आई हैं, इसराइल असल में इमेजेस जारी कर रहा था, हमने ईरान का ये नुकसान किया, ईरान ने जो हमला किया था, ये उसके बाद से अब तक की तस्वीर सामने आई हैं कि देखिए हमने क्या नुकसान किया। ईरान ने असल में एक गलती की बहुत बड़ी, जो उन्होंने रिसेंटली हमला किया था, उसके बाद उन्होंने 1 by 1 चीज़ें जारी नहीं की। यानी असल में ईरान अब तक, ये देखिए अभी तक ये सारी इन लोगों की गलती होती है, अजी हम जंग नहीं चाहते, हम दुनिया को बताना नहीं चाहते। असल में होता क्या है कि ईरान हो या कोई और मुल्क हो, जब आप जंग नहीं चाहते तो आप क्या करते हैं कि आप नुकसान कर देते हैं। आप अगले बंदे को पैगाम दे देते हैं कि भाई हमारी कैपेसिटी क्या है, हम किस लेवल पर जाकर हमला कर सकते हैं, लेकिन वो उनकी इमेजेस जारी नहीं करते, बताते नहीं हैं। वो इसलिए नहीं बताते कि उसके बाद जब तस्वीर सामने आएंगी, तबाही सामने आएगी, तो फिर वहाँ पर सूरत हाल ये होगी कि अवाम के अंदर रिएक्शन आएगा, नहीं नहीं जी अब तो जंग करें, अब तो जवाब दें, अब तो ये फोर्स की जो रेपुटेशन है वो मुकम्मल तौर पर ख़राब हो गई है। इस चक्कर में होता क्या है कि जब प्रेशर बढ़ता है तो मजीद जंग होती है। ईरान असल में पिछले काफ़ी अरसे से ये चाह रहा था कि हम हमला कर रहे हैं, हम फलाना कर रहे हैं, हम बताएं ना, लेकिन अब सूरत हाल डिफरेंट हो गई। अब उन्होंने चीज़ें सामने आना लाना शुरू कर दी हैं और बता रहे हैं कि भाई ये हमला इस लेवल पर था, ये इसराइल का उन्होंने जो काम किया है वो थोड़ा लेट किया है या गलत किया है, कि उनको इमीडिएटली बताना चाहिए था कि ताकत क्या है। देखिए अगर दुनिया में कोई ये शख्स समझता है कि इसराइल ने जंग नहीं करनी, तो आप अपने दिल और दिमाग से चीज़ निकाल दें। आज अगर ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन बदलने वाले, यानी अब एटमी हमला भी वो करेंगे, चीज़ें भी वो करेंगे, तो आप एक बात अच्छी तरह समझ लें कि इसराइल इस पोजीशन में आ चुका है इसराइल इस पोजीशन के अंदर कि वो सारी की सारी सूरत हाल को तब्दील करके पूरे रीजन में जंग छेड़ देगा। सो अब सीन क्या हुआ है, इसके बाद सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि चाइना ने ऐलान कर दिया है कि ईरान को पूरा हक है अपने मुल्क की एक एक चप्पे की हिफाजत करने का, उसका दिफा करने का और जवाब देने का। इसका क्या मतलब है? ईरान ने असल में ईरान को थपकी दे दिया है कि भाई हमला करो। ये असल में इसराइल इन बातों को, देखिए आपको पता है आम रूटीन के अंदर ईरान गुफ्तगू करता है, चाइना गुफ्तगू करता है, वो बड़ी ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करते, चाइनीज तो बिल्कुल ही नहीं करते, लेकिन जब वो करते हैं तो वो खुला पैगाम होता है और उनकी पॉलिसीज हमेशा याद रखिएगा लॉन्ग टर्म हुआ करती है। तो चाइना ने बड़ा क्लियरली पैगाम दे दिया, साइड उन्होंने चूज कर ली है। आप ये सोचे कि ईरान न्यूक्लियर अब डॉक्ट्राइन बदलने जा रहा है, चाइना का तो आपको पहले ही पता है कि न्यूक्लियर ड्रिलिंग करे, और रूस ने तो पहले ही न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, अब रिसेंटली जो ड्रिलिंग में उन्होंने किया है, तो पूरी की पूरी डॉक्ट्राइन अब तमाम चीज़ों की बदलने जा रही है। अब जहाँ तक बात है अमेरिका की, देखिए अमेरिका का मुस्तकबिल 5 दिन के बाद सारी दुनिया के अंदर होने जा रहा है। आप अमेरिका का मुस्तकबिल जब देखेंगे तो आपको दुनिया में पता चल जाएगा कि क्या तूफान मचने वाला है।
असल में जो भी सूरत हाल होगी, एक बात आप जहन में रखिएगा, दो काम होने जा रहे हैं अमेरिका के अंदर, उसका पूरे वर्ल्ड को असल में होने जा रहा है सारे का सारा मामला पता चलेगा। नेतन्याहू के ऑफिस से बहुत सारी चीजें लीक हुई हैं और हुआ क्या है कि फाइल्स हैं, डाटा है, चीजें क्लासिफाइड जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी खास तौर पर वो लीक हुई है। अब वो बताया गया है कि अंदर के लोगों ने इन्होंने गिरफ्तार किया है, अब उसकी ग्रिप हो रही है कमजोर, बहुत ज्यादा कमजोर है रही। अंदर के मामला काफी खराब है, ना ट्रंप उसको पसंद करता है, बाइडन भी नहीं करता, लेकिन अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट, बाइडन की औकात कोई नहीं है चूंकि जो कुछ भी है अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट ही है। तो अब सीन ये हुआ है कि यहाँ तक ये मामला हो गए हैं कि अंदर से फाइलें लीक हो रही हैं, अंदर से डाटा लीक हो रहा है। नेतन्याहू को ये लग रहा है कि फौज ये सारा काम कर रही है अंदर खाते। आप ये सोचें कि आज से 5 दिन के बाद दो सूरत हाल होंगी, या तो ट्रंप जीत जाएगा, अगर ट्रंप जीता है तो फिर पूरी दुनिया के अंदर जाहिर सी बात है सारे सुख का सांस लेंगे और कहेंगे जी ठीक है, और सारी दुनिया की एस्टैब्लिशमेंट जो है आदि वो कामने शुरू हो जाएंगी क्योंकि जंगें बंद होंगी और उसके बाद फिर उसकी जान को फिर ज्यादा खतरा है, ये भी आप जिन, या अमेरिका के अंदर खाना जंगी है। ये दो चीजों के सिवा कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही, उसकी मेन रीजन क्या है। अब आप ये सोचें कि सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि या तो आप उसको जीतने नहीं देंगे, और अगर आप जीतने के बाद भी आपने कुछ किया तो ये अवाम इस दफा बिफर गई है, ये सोशल मीडिया का दौर है और अमेरिका के अंदर जो सूरत हाल है वो आप सबके सामने है। और इस वक्त सबसे बड़ा मरहला ये है कि नेतन्याहू और ये बाकी तमाम ताकतें, ट्रंप ने उनको बड़ा वाजिया कर दिया है कि मैं अब जब आऊंगा तो मैंने मिडिल ईस्ट का परमानेंट सोल्यूशन देना है, यानी वो कह रहा है कि मैंने इसराइल और फलस्तीन और गाजा और लिबनान इन सब का परमानेंट सोल्यूशन देना। और एक बात आप जहन में रखिएगा, ट्रंप अभी तक जो सूरत हाल सामने आ रही है, ट्रंप ये कह रहा है कि गजा के लोग रहेंगे, फलस्तीन रहेगा, और इसके साथ साथ उसने कहा है कि मिडिल ईस्ट की जंगें बंद होगी, सारी जंग बंद। उसने कहा मैंने किसी फौजी को बाहर नहीं जाने देना। आपको पता है कि अमेरिका के जो फौजी हैं वो भी ट्रंप के साथ खड़े हुए हैं, वो सारे चाह रहे हैं कि भाई तू आके हमारी जान छुड़ा, ये पागल बैठे हुए हैं, ये अमरीकी फौज बैठी हुई है, उसके जरनैल बैठे हैं और वो पागल हो चुके हैं, वो जंगें शुरू करते हैं, हमें धकेलते हैं गजा में फलाना ये वो, तो हम बिल्कुल आवाज आ रहे हैं बर्बाद हैं। और ट्रंप ने जो इंडिकेट किया है कि आते साथ ही उसने ईरान रशिया इन सब से पाबंदियां भी हटानी है। देखिए सिचुएशन तो बड़ी खूबसूरत और आइडियल लगती है, लेकिन इस सूरत हाल में जब उसने ये बात कही है तो उसने एक और भी काम करना है, उसने ये डिफेंस सिस्टम अपने वापस लेने हैं कि भाई ये थार शार्ट निकालो, निकलो यहाँ से भाई। अब थार शार्ट आप जब निकालते हैं तो आपको पता है क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि जो मिलिट्री बेसिस की अब तस्वीर आ रही है फिर ये बड़ी तबाही होगी। देखिए अगर तो ईरान ने हमला कर दिया, ये बात जहन में रखिएगा, इंतखाबात से पहले, तो आपको नजर आएगा कि सारी इसराइल के मिलिट्री बेसिस का इसी तरह कबाड़ा होगा। आपको पता है जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, एक दफा जब आपको कोई काम करना आ जाता है तो फिर आप उसको बार बार भी कर लेते हैं। यही आयतुल्लाह का काम है कि वो कह रहा है कि इसराइल को इस दफा हमला किया है, आज रोका ना, ये बार बार करें। और ईरान को इसराइल पर हमला करना आ गया, दो दफा उसने किया, तीसरी दफा तो बड़ा तबाहकुन है। अब ईरान की रेपुटेशन भी दाव पर लगी हुई है कि अगर उसने इस दफा हमला दूसरे से ज्यादा खतरनाक ना किया तो दुनिया के ये डर गए हैं, ये फलाना हो गया और इसराइल ने फिर हमला करना है, और उसके लिए ईरान तैयार बैठा हुआ है। सो इस सूरत हाल में खेल बड़ा दिलचस्प मरले में है। अगर ये इस इंतखाबात तक हमला नहीं करते जो उन्होंने कहा वो करना है, तो आप फिर ये 5 दिन रह गए हैं, तो फिर आप एक चीज जेन में रखिएगा, इसके चांसेस होंगे कि अगर वो फिर इंतखाबात का रिजल्ट देकर फैसला करेंगे कि फिर ये क्या करना है, क्योंकि देखिए ट्रंप ने इंडिकेट किया हुआ है, अगर ट्रंप को बिल्कुल लैंडस्लाइड विक्ट्री तो है उसकी, और जो भी सूरत हाल अगर उसको बिठा देते हैं ऑफिस में, उसका रास्ता नहीं रोकती एस्टैब्लिशमेंट क्योंकि अवाम तो उसके साथ खड़ी है, तो फिर एक बात आप जहन में रखिएगा, ये जो मामला है अगर कमला हैरिस की विक्ट्री नहीं होती या उसकी होती है तो फिर उसके बाद ट्रंप इंडिकेट करेगा रूस को भी कि यार इनको रोकें, ये लड़ाई को ख़त्म करें, मैं आ रहा हूँ, मैं थोड़े अरसे के बाद ऑफिस में होऊंगा, तो फिर उसके बाद इस मिडिल ईस्ट का हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, और उस चक्कर के अंदर कोई मामला तय हो जाएंगे, जंग बंदी हो जाएगी, फलाना होगा। देखिए ईरान जितनी मर्जी बात कह ले, ईरान को एज हासिल है, ईरान ने हमला किया है, इसराइल ने उसके पास को भी हमला नहीं किया, और ईरान ने इस दफा हमला किया तो उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि इस दफा इसी से मिट जाए। अब वो ईरान नहीं रहा, और ईरान के पीछे 3 मुल्क ऐसे खड़े हो गए हैं जो शायद दुनिया में पहले नहीं थे, चाइना, रूस और नॉर्थ कोरिया,
और तीनों ही सब कुछ दाव पर लगाने को तैयार है। अब ईरान को किसी से कोई खतरा नहीं है कि जी वो मेरा हमसाया ये क्या कहेगा फलाना कहेगा, वो बला बन चुके। हाँ उनके अंदर फॉल्ट्स है, उनके अंदर मुखबिर बैठे हैं, इंटेलिजेंस में उनके बहुत सारे मामला पे खला है, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी, आज अगर ये सारी जंग लड़ी जा रही है तो एक ही मुल्क है जो बैक पर खड़ा हुआ है और उसका नाम है ईरान। और इस दफा ईरान क्या सबक सिखाता है ये देखेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।